गुड मॉर्निंग, मैं रविंद्र कुमार, बीकॉम सेमेस्टर 2 के मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन, प्रबंध सिद्धांत एवं व्यवहार विषय के इस चौथे लेक्चर में आज मैं प्लानिंग चैप्टर के एनवायरमेंटल एनालिसिस बिंदु को कवर करूंगा और इसके अंतर्गत एनवायरमेंटल एनालिसिस के मीनिंग डेफिनेशन के अलावा इसके महत्व और तकनीक पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो नाउ वी कैन स्टार्ट। पहला बिंदु है परिभाषा, दूसरा महत्व और तीसरा तकनीक। इन तीन बिंदुओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। परिभाषा, एनवायरमेंटल एनालिसिस is scrutinizing of external forces which have the effect on functions of business, अर्थात वातावरण का विश्लेषण बाहरी तत्वों की छानबीन है जो व्यापार या व्यवसाय के कार्य पर असर डालती है। Environmental analysis is a strategic tool. It is a process to identify all the external and internal elements which can affect the organization's performance. The analysis entails assessing the level of threat or opportunity the factors might present. The analysis helps align strategies with the firm's environment. अर्थात पर्यावरण विश्लेषण एक रणनीतिक उपकरण है। यह सभी बाहरी और आंतरिक तत्वों की पहचान करने की एक प्रक्रिया भी है जो संगठन के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है। विश्लेषण खतरे के स्तर का आकलन करने या कारकों को प्रस्तुत करने का अवसर देता है। विश्लेषण फर्म के वातावरण के साथ रणनीतियों को समानांतर करने में भी मदद करता है। अब इससे आगे बढ़ने के पूर्व हम बिजनेस एनालिसिस को और थोड़ा गहराई से देखें। बिजनेस एनालिसिस इज द डिसिप्लिन ऑफ रिकॉग्नाइजिंग बिजनेस नीड्स एंड फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू वेरियस बिजनेस प्रॉब्लम्स। इन सिंपल वर्ड्स, इट इज अ सेट ऑफ टास्क एंड टेक्निक्स विच वर्क एज अ कनेक्शन बिटवीन स्टेक होल्डर्स। दीज हेल्प देम अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, पॉलिसीज एंड ऑपरेशंस। व्यवसायिक विश्लेषण व्यवसायिक आवश्यकताओं और विभिन्न व्यवसायिक समस्याओं के समाधान को पहचानने की विधि है। सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो यह कार्यों और तकनीकों का एक समूह है जो हितकारकों के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है। ये उन्हें संगठन की संरचना, नीतियों और संचालन को समझने में मदद करता है। ये बिजनेस एनालिसिस को जानने के बाद अब हम निष्कर्ष रूप में देखेंगे एनवायरमेंटल एनालिसिस को बिजनेस के संदर्भ में। पर्यावरण विश्लेषण एक हमारा बाजार हर दिन बदलावों और परिवर्तनों का सामना कर रहा है। आज के आधुनिक युग में जिस तेजी से व्यवसाय अपने उत्पादों में परिवर्तन कर रहे हैं, ये एक गंभीर समस्या है। समय के साथ कई नई चीजें विकसित हो जाती हैं और पूरा परिदृश्य कुछ ही सेकंड में बदल सकता है। कुछ कारक हैं जो आपके नियंत्रण में हैं, मतलब फैक्टर्स कुछ ऐसे हैं जो हमारे नियंत्रण में होते हैं, लेकिन और कुछ हमारे नियंत्रण से परे होते हैं, बाहर होते हैं।
लेकिन यदि हम चाहें तो इनमें से कई चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं। व्यवसाय अपने पर्यावरण से बहुत प्रभावित होते हैं। सभी स्थितिगत कारक जो दिन प्रतिदिन की परिस्थितियों को नियंत्रित करते हैं, फर्मों को प्रभावित करते हैं। इसलिए व्यवसायों को व्यापारिक वातावरण और बाजार का लगातार विश्लेषण करना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे इसके महत्व को। महत्व में आप इस रेखा चित्र में देख रहे होंगे, पहला है नंबरिंग मैंने कर दिया है, स्थान की कमी के कारण 6 में ही 8 बिंदु को दर्शाना पड़ा है। तो पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ। ये व्यवसायिक फर्म की ताकत को दर्शाता है। क्या है ये, हम देखें। व्यवसायिक फर्म की ताकत का मतलब है फर्म की क्षमता अपने प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त प्राप्त करने के लिए। हम जब बिजनेस में अपने ताकत को बढ़ाने की बात करते हैं तो ये बराबर अपने कॉम्पिटिटिव जो हमारी क्षमता है उस पर बढ़त प्राप्त करने का एक प्रयास होता है। या चाहे वो उत्पादन बढ़ा के करें, लाभदायकता बढ़ा करके करें, या जैसे भी हो, हमें अपने प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त हासिल करनी है और वो तभी संभव है जब हम मजबूत हों। आंतरिक व्यावसायिक वातावरण का विश्लेषण फर्म की ताकत की पहचान करने में मदद करता है। ताकत की पहचान करने के बाद फर्म को अपनी मौजूदा योजनाओं, नीतियों और संसाधनों में भी सुधार करके अपनी ताकत को मजबूत करने या अधिकतम करने की कोशिश करनी पड़ती है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ये नहीं कहा जा सकता है कि वो व्यावसायिक क्षेत्र में मजबूत स्थिति में है। दूसरा पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीकनेस, कमजोरी को पता लगाना। फर्म की कमजोरी का मतलब है फर्म की सीमाएं, उनकी उनके लिमिटेशंस। आंतरिक वातावरण की निगरानी करने से न केवल ताकत बल्कि फर्म की कमजोरी की पहचान भी संभव हो पाती है। एक फर्म कुछ क्षेत्रों में मजबूत हो सकते हैं लेकिन कुछ क्षेत्रों में कमजोर होना भी संभव है। आगे की समृद्धि और विस्तार के लिए यह जरूरी है कि हम पहले अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें ठीक करने का प्रयास करें। जब हम ये कर पाएंगे तो समृद्धि और विस्तार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तीसरा बिंदु महत्व का, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जो अवसर हैं उनकी पहचान। पर्यावरण विश्लेषण बाजार में अवसरों की पहचान करने में मदद करता है। इन्वायरमेंटल एनालिसिस हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। फर्म को अवसरों को समय पर ग्रैब करने, पकड़ने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। वो गाहे बगाहे अचानक से आपके सामने आएंगे और अगर तत्काल हम उनको, जिसको लपकना कहता है, अवसर को लपका नहीं अगर, तो वो फिर आपके हाथ से फिसल गया। तो बराबर पर्यावरण विश्लेषण बाजार में उपलब्ध या संभावित अवसरों की पहचान करने में मदद करता है। और फर्म को बराबर तैयार होना चाहिए कि जब भी ऐसे अवसर नजर आए तो वो उन्हें तुरंत लपक ले, समय गवाए बगैर। नेक्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट।
जो खतरे हमारे सामने रहते हैं, जो समस्याएं हमारे सामने हैं, उनकी पहचान करना। आमतौर पर व्यवसायी सामान्य तौर पर अपने इन थ्रेट्स को नहीं पहचान पाते। बिजनेस इज सब्जेक्ट टू थ्रेट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स एंड वेरियस फैक्टर्स। एनवायरमेंटल एनालिसिस हेल्प देम टू आइडेंटिफाई द थ्रेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। व्यवसायिक प्रतियोगियों और विभिन्न कारकों से व्यवसाय प्रतियोगियों और विभिन्न कारकों से घिरा रहता है। पर्यावरण विश्लेषण बाहरी वातावरण से खतरे और समस्याओं की पहचान करने में उनकी मदद करता है। खतरे की प्रारंभिक पहचान हमेशा फायदेमंद होती है। खतरे की प्रारंभिक पहचान का मतलब कि खतरा जैसे ही उत्पन्न हुआ, वैसे ही अगर प्रारंभिक दौर में ही उसकी पहचान कर ली जाए तो उसके फैलने के खतरों को रोका जा सकता है। क्योंकि अगर कोई ऐसी समस्या है जो धीरे 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 अपने हाथ पैर फैला रही है, तो किसी भी व्यवसायिक संस्था के लिए बहुत अच्छी नहीं होती है। तो इसलिए जरूरी है कि जब भी कोई खतरा उत्पन्न हो तो प्रारंभिक स्तर पर ही उसे पहचान लिया जाए और उससे उत्पन्न होने वाली समस्या या आगे वो न बढ़े उसकी हर कोशिश हम करें, या उसको फैलने से रोकने में ये हमें मदद करता है। पांचवा बिंदु है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस, मतलब संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। प्रॉपर एनवायरमेंटल असेसमेंट हेल्प टू मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्केयर ह्यूमन नेचुरल एंड कैपिटल रिसोर्सेस। उचित पर्यावरण मूल्यांकन मूल्यवान मानव प्रकृति और पूंजी संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग में मदद करता है। व्यावसायिक वातावरण के व्यावसायिक वातावरण के व्यवस्थित विश्लेषण से फर्म को अपव्यय को कम करने और उपलब्ध संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग में मदद मिलती है। जब हम व्यावसायिक वातावरण का विश्लेषण करते हैं तो हमें उसमें हो रहे जितने भी संसाधन इस्तेमाल में आ रहे हैं उनके अपव्यय का पता चलता है, और जैसे ही आपको अपव्यय का पता चलेगा आप उसका समाधान ढूंढ पाएंगे। लेकिन अगर पता ही नहीं चलता है तो फिर समाधान ढूंढने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो विश्लेषण, व्यवस्थित विश्लेषण से फर्म में जो हो रहे अपव्यय हैं उन पर नियंत्रण किया जा सकता है और उपलब्ध संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग में इससे हमें मदद मिलती है। बिना आंतरिक और बाहरी संसाधनों को समझे हुए हम उनका प्रभावी इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब तक हम अपने आंतरिक और बाहरी संसाधनों को बेहतर तरीके से समझ नहीं जाते हैं तब तक उनका प्रभावशाली तरीके से उपयोग करना संभव नहीं होता है। छठा बिंदु है सर्वाइवल एंड ग्रोथ। अपने जीवित रहने की संभावना और विस्तार की संभावना को बढ़ाना, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, व्यावसायिक वातावरण का व्यवस्थित विश्लेषण फर्म को अपनी ताकत को अधिकतम करने, कमजोरी को कम करने, अवसरों को लपकने या हथियाने या उन पर कब्जा करने और खतरों को फैलने से रोकने में मदद करता है। यह व्यापारी को
प्रतिस्पर्धी दुनिया में जीवित रहने और बढ़ने की क्षमता प्रदान करता है। व्यापार जब व्यवस्थित विश्लेषण वातावरण के व्यवस्थित विश्लेषण की माध्यम से अपने ताकत को अधिकतम कर पाता है, कमजोरियों को कम कर पाता है या रोक पाता है, नियंत्रित कर पाता है, अवसरों को हथियाने में बराबर सक्षम रहता है और खतरों को फैलने से रोकता है, तो ऐसे में व्यापार को प्रतिस्पर्धी दुनिया में जीवित रहने और बढ़ने की क्षमता मिल जाती है। और ये किसी भी व्यवसाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सातवां बिंदु है टू प्लान लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रैटेजी, दीर्घकालीन व्यवसायिक लक्ष्य तय करना। A business organization has short-term and long-term objectives. एक व्यवसायिक संगठन में अल्पकालीन और दीर्घकालीन लक्ष्य होते हैं। पर्यावरणीय कारणों के उचित विश्लेषण से व्यवसायिक फर्म को योजनाओं और नीतियों को तैयार करने में मदद मिलती है, जो उसके संगठनात्मक उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त करने का मार्ग प्रदान करता है। पर्यावरणीय विश्लेषण के बिना फर्म व्यावसायिक सफलता के लिए रणनीति विकसित नहीं कर सकते। कोई भी व्यावसायिक संगठन जो होते हैं वहां पर अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रकार के उद्देश्य और लक्ष्य उनके निर्धारित रहते हैं और पर्यावरणीय कारकों के उचित मतलब एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं उनका अगर उचित विश्लेषण किया जाए और फर्म की योजनाओं और नीतियों को निर्धारित करने में उनकी मदद ली जाए तो उससे संगठनात्मक उद्देश्यों को आसानी से हम प्राप्त कर पाते हैं। और बिना पर्यावरणीय विश्लेषण के फर्म अपनी व्यवसायिक सफलता के लिए रणनीति विकसित नहीं कर सकते हैं, असंभव सा है। आठवां बिंदु है एनवायरमेंटल स्कैनिंग एड्स दैट इज डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना विभिन्न उपलब्ध विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह एक आवश्यक प्रक्रिया है। पर्यावरण विश्लेषण व्यवसाय की सभी स्थिति को समझने और निर्णय लेने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है। फर्म की सफलता सटीक निर्णय लेने की क्षमता पर निर्भर करती है। पर्यावरण विश्लेषण का अध्ययन फर्म की सफलता और समृद्धि के लिए सबसे अच्छे विकल्प का चयन करने में सक्षम बनाता है। तो ये हमने चर्चा की पर्यावरणीय विश्लेषण के महत्व की। अब हम देखेंगे SWOT एनालिसिस जो तकनीक है इस विश्लेषण की। SWOT analysis is often used in strategic planning to help identify a potential competitive advantage. For example, your strong relationship with suppliers might give you the opportunity to offer prices that are lower than your competitors, but you can also apply it in much narrower situation. You can use it to evaluate a decision by looking at strengths, weaknesses, opportunities and threats relative to the decision. SWOT विश्लेषण अक्सर रणनीतिक योजना में उपयोग किया जाता है।
ताकि संभावित प्रतिस्पर्धी फायदे की पहचान करने में मदद मिल सके। उदाहरण के लिए, आपूर्तिकर्ताओं के साथ आपके मजबूत रिश्ते आपको उन कीमतों की पेशकश करने का अवसर दे सकते हैं जो आपके प्रतिस्पर्धी से कम हो, लेकिन आप इसे बहुत ही विशेष परिस्थिति में ही उपयोग करें तो बेहतर होगा, और वो भी ऐसा करने के पहले अपनी ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरे मतलब स्पॉट का के सापेक्ष निर्णय को देखकर उनके मूल्यांकन के आधार पर ऐसा करने की कोशिश करें। मार्केटिंग एजेंसी ऑफन परफॉर्म अ मार्केटिंग स्पॉट एनालिसिस एज पार्ट ऑफ देयर कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप एनालिसिस फॉर क्लाइंट्स। दे मे कंपेयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस अक्रॉस कॉम्पिटिटर्स फॉर वेरियस मार्केटिंग चैनल्स। विपणन एजेंसियां अक्सर ग्राहकों के लिए अपने प्रतिस्पर्धी परिदृश्य विश्लेषण CLA के हिस्से के रूप में एक मार्केटिंग स्पॉट विश्लेषण करती हैं। वे विभिन्न मार्केटिंग चैनलों जैसे वेबसाइट, ब्लॉग, सोशल मीडिया, डिजिटल विज्ञापन और ऑर्गेनिक खोज के लिए प्रतियोगियों की ताकत और कमजोरी की तुलना कर सकते हैं। इससे उन्हें ग्राहक की रणनीति के लिए सिफारिशें तय करने में मदद मिलती है। अब हम संक्षेप में इस स्वॉट को समझेंगे क्या है। SWOT, S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी, T फॉर थ्रेट्स। स्वॉट के अंतर्गत क्या आते हैं? थिंग्स योर कंपनी डज वेल, आपकी कंपनी जो अच्छा करती है वो आपका स्ट्रेंथ है, मजबूती है। क्वालिटीज दैट सेपरेट यू फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स, ऐसी विशेषज्ञता, ऐसे गुण जो आपके प्रतियोगियों से आपको अलग करती है। डेफिनेटली ये पॉजिटिव टर्म में लेना चाहिए, नेगेटिव टर्म में भी हो सकता है, आप सबों से खराब हैं। नहीं, यहां हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं, तो ऐसी क्वालिटीज जो आपको आपके प्रतियोगियों से बिल्कुल अलग प्रदर्शित करती है पॉजिटिव वे में। तीसरा बिंदु है इसमें, इंटरनल रिसोर्सेज सच एज स्किल्ड नॉलेजेबल स्टाफ, जो हमारे आंतरिक स्रोत हैं, संसाधन हैं, और उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं हमारे बहुत ही मंजे हुए जानकार कर्मचारी, ये बराबर स्ट्रेंथ होगा किसी भी कंपनी के लिए। और अगला है टेंजिबल एसेट्स सच एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कैपिटल, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। हमारे पास जो पूंजी है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और जो प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है जो हमने खुद से विकसित की है, ये चीजें हमारी स्ट्रेंथ होती हैं किसी भी व्यवसाय में। अब इसके बाद दूसरा है वीकनेसेस, थिंग्स योर कंपनी लैक्स, जो आपकी कंपनी में कमियां हैं वो आपकी कमजोरी है। थिंग्स योर कॉम्पिटिटर डू बेटर देन यू, वैसी चीजें जो आपके प्रतियोगी आपसे बेहतर करते हैं, ये आपके लिए कमजोरी है। तीसरा है रिसोर्स लिमिटेशंस, आपके जो संसाधन हैं वो अगर सीमित हैं तो फिर वो भी आपकी कमियों में उसकी गिनती होगी। और चौथा है अनक्लियर यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, जो स्पष्ट नहीं है आपके बिक्री की जो प्रतिशत है, जो प्रपोजिशन है, उसका जो अनुपात है वो बहुत ही अनिश्चित है, तो ये भी आपका वीकनेस है। नाउ अपॉर्चुनिटीज, ओ
underserved markets for specific product, ऐसा बाजार जिसमें हमारी पहुंच कम है, हम कम पहुंच पाते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए, तो वो अपॉर्चुनिटी है, हम वहां पर ज्यादा मात्रा में पहुंचने की कोशिश करें या पहुंचने की कोशिश करें। दूसरा, फ्यू कॉम्पिटिटर्स इन योर एरिया, आपके क्षेत्र में कुछ प्रतियोगियों का होना, प्रतियोगियों का आपके क्षेत्र में मतलब जिन प्रोडक्ट्स में आप डील कर रहे हो, जिनका मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हो और बेच रहे हो, उस क्षेत्र में अगर कुछ और भी कुछ प्रतियोगी भी हैं तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ताकि आप उनको अपने आप को उनका सामना करने के लिए मजबूत बनाए। तीसरा, इमर्जिंग नीड फॉर योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, जो संभावित जो अभी पैदा होंगी वो आपको पैदा करना है आपके प्रोडक्ट्स, आपके उत्पाद और सेवाओं के लिए, जो बढ़ रहे हैं, जो आवश्यकताएं बढ़ रही हैं या बढ़ना संभावित है, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए संभावनाएं बढ़ रही हैं, आ रही हैं, सामने दिख रही हैं, तो वो आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। प्रेस एंड मीडिया कवरेज ऑफ योर कंपनी, एक तो हम विज्ञापन के माध्यम से अपने प्रोडक्ट और सेवाओं मतलब उत्पाद और सेवाओं के बारे में लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन अगर न्यूज़पेपर मतलब प्रेस और मीडिया स्वतः अगर उसकी समीक्षा करता है और लोगों को समीक्षात्मक जानकारी हमारे प्रोडक्ट्स जैसे और प्रोडक्ट्स के साथ देता है, तो वो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम जो वास्तविक स्थिति है उससे लोगों को अवगत होने का मौका मिल रहा है। अब इनके बाद थ्रेट्स, इमर्जिंग कॉम्पिटिटर्स, जो नए पैदा हो रहे हमारे प्रतियोगी हैं, वो हमारे लिए बराबर थ्रेट्स हैं, लेकिन इनसे घबराना नहीं चाहिए। हमें अगर पता है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स बढ़ रहे हैं, आने वाले दिनों में उनकी संख्या और बढ़ेगी, तो हम खुद को उसके लिए तैयार करेंगे घबराने की बजाय। दूसरा, चेंजिंग रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, जो कानूनी जो रेगुलेशंस होते हैं, जो हमारे अधिनियम होते हैं, उनमें जो परिवर्तन होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वातावरण पर उसका प्रभाव पड़ता है, तो ये हमारे लिए थ्रेट्स होते हैं। चेंजिंग रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, जो कानूनी वातावरण है वो अगर बदल रहा है हमारे क्षेत्र में, तो वो हमारे लिए एक थ्रेट है और हमको उसके लिए भी अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। इसी में तीसरा है, नेगेटिव प्रेस मीडिया कवरेज, कोई छोटी सी घटना अगर हो जाती है कंपनी में या किसी जो हमारा प्रोडक्ट सेलर है उसके पास, और कहीं ना कहीं हमारा प्रोडक्ट उससे प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है, अगर कंपनी में कोई घटना हो गई और उसको बहुत ज्यादा प्रेस और मीडिया का कवरेज मिला, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव की तरफ बढ़ता है, या प्रोडक्ट के बारे में कोई मीडिया और प्रेस नेगेटिव बिंदुओं को ज्यादा उछाल रहा है, तो ये भी हमारे लिए थ्रेट का परसेप्शन है, थ्रेट का कारण है। चौथा बिंदु है, चेंजिंग कस्टमर एटीट्यूड टुवर्ड्स योर कंपनी, आपके कंपनी की ओर अगर कस्टमर का जो एटीट्यूड है, उसकी जो धारणा है, उसका जो उसकी जो प्रतिक्रिया होती है वो बदल रही है, तो ये हमारे लिए थ्रेट है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट बाजार में उपलब्ध हैं और वो लोग अगर अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, लोगों के सामने रख पा रहे हैं, और कस्टमर जो है वो किसी न किसी कारण से अगर हमसे उसका एटीट्यूड हमारे प्रति बदल रहा है, तो ये हमारे लिए खतरा है और हमें कोशिश करनी पड़ेगी उससे बचने की, कि ऐसा ना हो। मैं समझता हूं कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, इन बिंदुओं के क्लियर होने के बाद पूरी तरह से हमने ये एनवायरमेंटल एनालिसिस, जो प्लानिंग का एक बड़ा हिस्सा है, उसको स्पष्टतः समझ लिया है।
मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि ये जितने भी वीडियोस हैं हम लोग कॉलेज के माध्यम से यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देते हैं, तो उसको उसमें आप अपने प्रश्न रख सकते हैं। अगर किसी को कोई कठिनाई है, कोई क्लैरिटी में कहीं कमी है, तो वो स्पष्टता अपना प्रश्न वहाँ रख सकता है, मैं देख करके उसका उत्तर कर पाऊंगा। थैंक यू।